मैम स्कूल वाले कहते हैं ना कि प्रॉपर जो है वो लेसन प्लान रजिस्टर्स उन्होंने हमें दे दिया और कहते हैं कि लेसन प्लान बना के लाओ और फिर क्लास में आप पढ़ाइए। आप बताइए ये चीज़ क्या लॉजिकली ठीक है? क्या टाइम कंज्यूमिंग नहीं है? तो ज़रा आप एक बात बताइए कि आपने नॉर्मली देखा होगा कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई हमारे घर में ना ये वाला रूम यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए था, इस जगह पर इसकी लोकेशन थोड़ी ठीक नहीं है, बाथरूम की जो लोकेशन है वो सामने की तरफ पड़ रही है, ऐसे पीछे होना चाहिए था। अगर रूम्स को ना थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाता या लॉबी को थोड़ा सा छोटा कर देते तो शायद जो स्पेस है वो थोड़ा अच्छा मिल जाता रूम्स में। इस तरीके की चीज़ें लोगों को डिस्कस करते हुए सुनी होगी जब भी वो कोई काम करने जा रहे होते। तो ज़रा आप सोच के देखिए कि ऐसा क्यों हुआ उन लोगों के साथ? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी घर की प्लानिंग करते वक्त जब वो अपना घर बनवा रहे थे उस वक्त उन्होंने उसका नक्शा जो है वो ग्राउंड में बना के नहीं देखा, प्रॉपर प्लानिंग से उस घर की कंस्ट्रक्शन को नहीं करवाया। भाई दो चार घर जाके देख लेते, उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन करवाते, देख लेते कि कौन सी चीज़ जो है किस जगह पे सटीक बैठती है। पर नहीं, उस वक्त हम लोग सोचते हैं कि हमें सब आता है, शायद जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर बैठे और फिर बाद में क्या करते, उसका भुगतान हमें भुगतना पड़ता है। या फिर कहते हैं कि भाई अब इसे तोड़ो और दोबारा बनवाओ। देखा है ना ऐसा? बस ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया है दोस्तों कि जब भी आप क्लास में जाते हैं आप खुद सोच के देखिए कि आज आपको सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में क्लास में बच्चों को बताना है। भाई आपको बहुत अच्छा पढ़ाना आता है, बट जैसे ही आपने क्लास में एंट्री ली ना आप सोच रहे हैं कि यार काश मेरे पास आइस होती है, मतलब अगर मैं एक बैलून ले आता बच्चों को गैस दिखाने के लिए, वाटर होना चाहिए था क्लास में, मतलब बच्चों को तीनों फॉर्म्स में अच्छे से दिखा सकता था। तो फिर आप किसी बच्चे को बोलते हैं अच्छा बच्चे ये लेके आओ ये लेके आओ, वहाँ से मतलब फ्रिज भी अगर किसी स्कूल में हो वहाँ से आइस ले आओ, या फिर बच्चों तुमने आइस देखी है, इस तरीके की जो नॉनसेंस है आप फिर क्लास में करते हो या फिर क्लास के बच्चों को भेजते हो और फिर बोलते हो ये ना फालतू में एक्टिविटी एक्टिविटी से पढ़ाना जो है वो बेकार काम है, कुछ नहीं होता इन सबसे, टाइम वेस्ट होता है क्लास में, ठीक है, रोज रोज करने वाली चीज़ें नहीं है। ऐसा क्यों कहते हो या ऐसा क्यों कह पाते हो आप? रीजन यही है कि आपने अगर पहले प्लानिंग कर ली होती, ये सब चीजें आप अपने साथ ले गए होते तो क्लास में बस जाके आपको दिखाना है। भाई आप छोटे बच्चों को समझाना चाहते हैं कि भाई पानी पर जो है चीजें कैसे फ्लोट करती कैसे तैरती, आप उन्हें ये सिखाना चाहते हैं, बट आप सोच रहे हैं क्या एग्जाम्पल दूं, आप अननेसेसरली इमेजिनेशन वाले एग्जाम्पल्स जो है वो बच्चों को दिए जा रहे हैं। बट अगर एक कागज की बोट आप घर से बना के ले गए होते और थोड़ा सा पानी या वाटर बॉटल ले गए होते किसी भी कंटेनर में, आप उस बोट को फ्लोट करके तैरा के दिखा दो तो भाई उसे आप अपने कॉन्सेप्ट को रिलेट करो, तो कहीं ना कहीं सोच के देखो ना कि आपने टाइम सेव किया। और किस चीज से किया आपने वो टाइम सेव? क्योंकि आपने पहले प्लानिंग कर ली थी, आपको पता था कि कल आपको ये टॉपिक पढ़ाना और उसमें मुझे ये चीजें जो है वो जरूरत पड़ने वाली है, तो इन्हें मैं अपने साथ लेके चलता हूँ। जिन चीजों के लिए आज आप दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि भाई हमारा टाइम अननेसेसरी खराब किया जाता है, आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपके समय में आपके टीचर ने आपको इस तरीके से पढ़ा दिया होता तो रिजल्ट शायद आज कुछ और होता, मतलब आपकी जो नॉलेज है वो और ज्यादा स्टेबल होती और बढ़िया तरीके से आप पढ़े होते। तो क्यों ना वो गलती जो आपके साथ आपके टीचर्स ने कर ली उसे करने से बच जाए आप अपने बच्चों के साथ। वो जो ट्रेडिशनल तरीका था जो आपके टीचर्स ने आपने आपके साथ अप्लाई किया, प्लीज उस तरीके को छोड़िए। आप कहते हैं कि भाई हम भी तो ऐसे ही पढ़े थे, उस तरीके को आप छोड़ दीजिए, आज वो टाइम नहीं है भाई एजुकेशन का। आज अब जितने नए नए तरीकों से हर दिन नया तरीका अगर आप खोजेंगे तो आप खुद भी देखेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ है करने के लिए, अदरवाइज कहते हैं ना वही घिसा पिटा काम, रोज स्कूल जाना आना बच्चों को पढ़ाना, मुझे तो सब आता है, वही टॉपिक मैं पिछले 10 साल से पढ़ाता हुआ रहा। अरे उस 10 साल में आप 10,000 तरीके से उस टॉपिक को पढ़ा सकते थे और मैं गारंटी ले रही हूँ आप हर सेशन में जब वो क्लास अगली बार वो पढ़ाते हो ना तो बहुत कुछ नया आप उसमें हमेशा सीखते हो जो आपने पिछली क्लास में नहीं सीखा। तो भाई जिसने भी ये सवाल पूछा और कहा कि मैम इस पे आप वीडियो बना दीजिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आप लोगों को समझना कि विदाउट प्लानिंग अगर आप क्लास में जाते हो तो ये मान लीजिए आप कितनी भी अच्छी नॉलेज उन्हें दे के आइए पर वो नॉलेज उस नॉलेज से कमतर ही आंखी जाएगी। एक बार ऐसा करके तो देखिए और फिर आके आप ज़रा कमेंट कर देना कि मैम हम आपसे डिसएग्री करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मैं हर दिन अपने चैनल पर लाती रहती हूँ।